और चलिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले की बात करते हैं, जहां पर शहर में आए दिन चोरी की घटना बढ़ती जा रही है, जिससे एक बार फिर से आम जनता का पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि कोतवाली से महज कुछ ही दूरी पर स्थित जहां वार्ड क्रमांक 22 में लगातार चोरी के मामले सामने आए हैं, वहां पर 24 घंटे के अंदर चोरों ने 3 मकानों को निशाना बनाया है। बता दें कि चोरी की वारदात को अंजाम भी दिया है। वहीं एक घर में चोरी करने के बाद अज्ञात चोरों ने घर में आग लगा दी। पूरे मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की गई है। पूरा मामला गुट रापारा के रहने वाले घर में हुआ है, जहां पर 30,000 रुपए की नकदी, सोने की चैन और 7 कान की बाली को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया है और पुलिस तीनों घटनाओं के मामले में जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। देखिए, परसों एक घटना सामने आया था कि एक घर में चोरी हो गया है। वो उनके परिवार के लोग इलाज के लिए रांची गए हुए थे, मुझे पता चला तो मैं उनके साथ थाने भी गया था और रिपोर्ट लिखा के आया हूँ। और आज सुबह सुबह 2 फोन आया कि मेरे घर में भैया चोरी हो गया है और आग भी लगा दी है। तो आप जैसे हमने सुना कि आग लगा है तो दमकल बुलाकर आग बुझवा दिया गया था। दोनों परिवार को लेकर अभी मैं थाने भी गया हुआ था। घटना ये हो गया कि हम गाँव में थे, बिहार गए थे, इसी बीच कल सुबह फोन गया कि आपके घर में आग लग गया है। तो आग लग गया है तो हम बोले कि ठीक है, तो हम आ रहे हैं। तो आज यहाँ मौके पर पहुँचे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि सामान जो था एक भी नहीं है, सामान चोरी हो गया है, औजार भी हो गया, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा सब था, सब खत्म हो गया और प्लस में आग भी लगा दिए। कितने का नुकसान हुआ? नुकसान तो लगभग मैंने 2 लाख का ऊपर का ही है। थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम भुटरा में जो है एक चोरी की रिपोर्ट आई है। वो घर वाले जो है 4-5 दिन से घर से बाहर थे और कोई अज्ञात व्यक्ति से घर में घुसकर चोरी किया है, कल की बात आई है, और उसमें लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये की सामान की चोरी होना बताया।